हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये वायरस जो होता है, इसके काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं, 100 के करीब इसकी वैरायटीज़ होती हैं, और ये काफ़ी तरह के इन्फेक्शंस करते हैं। अगर स्किन के ऊपर इन्फेक्शन करेगा तो स्किन के ऊपर वॉट हो जाते हैं, कॉलीफ्लावर लाइक वॉट हो जाते हैं, और जो जेनेटल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर भी ये इन्फेक्शन कर सकता है। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है? अगर बॉडी में कहीं कट लग गया है या कहीं से फ्लूइड है तो वो फ्लूइड से दूसरे शख्स तक ट्रांसमिट होता है। ये सेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो सकता है। काफ़ी सारे जो वायरस होते हैं HPV के, वो कैंसर नहीं करते हैं। कुछ वायरस जो होते हैं वो कैंसर क्रिएट करते हैं, लोअर जेनेटल ट्रैक्ट के कैंसर जिसमें बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, वजाइना का कैंसर होता है। अब इससे आपको बचना कैसे है? इससे बचने के लिए सबसे पहले तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो 9 साल से 11 साल के बीच में ये वैक्सीनेशन दी जाती है और 45 ईयर्स तक ये वैक्सीनेशन दी जाती है। अगर आपकी एज अगर 15 साल से कम है तो आपको दो डोज देनी है, और अगर 15 साल से ऊपर है तो शख्स को 3 डोज लगेंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वैक्सीनेशन प्रॉपर लेनी है, और अगर एक बार अगर HPV वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो उसके बाद वैक्सीनेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं होता, उसका असर बहुत ही कम हो जाता है। टेस्ट कौन सा करवाना चाहिए? देखिए, 20 साल से लेके 30 साल तक आपको हर साल टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर 3 साल में एक बार टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। और 30 साल से लेके 60 साल या कहें 65 ईयर्स तक हर 3 साल या तो आप टेस्ट करवाइए, या फिर एक DNA टेस्ट होता है वो टेस्ट आप करवाइए 5 साल में। तो ये टेस्ट रेगुलर बेसिस पे होते रहे, और जो वैक्सीनेशन मैंने आपको बताई है वो वैक्सीनेशन लेनी बहुत ज़रूरी है। सेक्सुअली एक्टिव जो लोग होते हैं वो लोग प्रोन होते हैं इस तरह के इन्फेक्शन के लिए, तो ये सब चीज़ें भी कंट्रोल करनी ज़रूरी है। मोनोगेमी को प्रमोट करें, बॉडी की इम्यूनिटी ज़्यादा रखें, क्योंकि जो HPV का वायरस होता है, अगर वॉट वगैरह हुआ तब तो इजीली पता चल जाएगा, लेकिन अगर वॉट नहीं हुआ, अगर कैंसर हुआ, तो वो धीरे 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 बढ़ता जाएगा, और बहुत ही एंड स्टेज पे आपको पता चलेगा जब वजाइनल फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा होगा, काफ़ी ग्रोथ हो चुकी होगी। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप राइट टाइम पर वैक्सीनेशन लें, राइट टाइम पे जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं उसको स्टार्ट करें, और राइट वे में करें, वो प्रॉपर तरीके से टेस्ट वगैरह करवाते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे मोटिवेटेड।